नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर में। तो भाई, जैसे कि आपने कमेंट में कहा था कि हमें एक सर होममेड फिरकी बना के दिखाइए, यानी कि घर में चरखड़ी हम किस तरह से बना सकते हैं, कौन कौन से मटेरियल आपके यूज होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको यही बना के दिखाऊंगा कि आप घर में चरखड़ी किस तरह से बना सकते हैं, वो भी उन मटेरियल्स के साथ जो आपके घर में इजिली अवेलेबल होंगे ही होंगे। तो गाइज, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड देखिए, आपको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको इस तरह का एक गत्ता ले लेना है। ये मैंने एक बॉक्स लिया है, यहाँ पर गत्ते का बॉक्स आप देख सकते हैं। तो ये इजीली अवेलेबल होता है, हर किसी के घर में मिल ही जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी नया सामान मंगाया तो उस गत्ते के अंदर ही पैक होके आता है, तो आपको गत्ता इजीली मिल जाएगा। अगर ये गत्ता ना मिले आपको तो गाइज, आपकी जो कॉपी का कवर होता है, आपकी जो कॉपी का गत्ता होता है, वो भी आप ले सकते हो। फिर अखबार लेने हैं आपको, न्यूज़पेपर हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो पड़ोसी के घर से मांग सकते हो आप, इजीली मिल जाएगा वहाँ से। तो अखबार लेने हैं, और यहाँ पर फेविकोल, ये मेरे पास फेविकोल, अगर फेविकोल आपके घर नहीं है तो गम के भी यूज़ कर सकते हो आप। टेप की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती लेकिन होनी चाहिए, तो मैंने रख ली है टेप भी। और एक सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो एक सीज़र, एक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी मार्क करने के लिए। और गाइस, जो मेन डंडी होती है, जो बीच की मेन डंडी होती है, उसके लिए मैंने ये पेड़ की डंडी तोड़ी है। आप चाहो तो पेड़ की डंडी तोड़ सकते हो। देखिए, मैंने ये दो तोड़ी, इन दोनों में से मैं कोई सी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप चाहो तो पेड़ की डंडी तोड़ सकते हो, या इस तरह की डंडी हम अखबार से भी बना सकते हैं, वो मैं बता दूंगा वीडियो के दौरान भाई किस तरह से बनानी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो ये इन चीज़ों को मैं साइड में लगा रख देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जो हमने गत्ता लिया था, इसकी कटिंग करनी होगी। और कटिंग कैसे करनी होगी, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास चरखड़ा है, ये पांडा डोर का हमारे पास चरखड़ा है दोस्तों। सिंपल डोर है, पांडा डोर, उसका ये चरखड़ा है। तो देखिए, अब क्या होता है, आपके आम चरखड़े के बीच में एक साइड में ये बड़ा, ये गोल, बड़ा गोलाई में ये जो होता है हमारा, ये बड़ा गोल साइड में चाहिए होता है, एक इधर चाहिए होता है, यानी दो बड़े गोल चाहिए होते हैं हमें। और उसके बाद ये छोटे गोल, आप देख सकते हैं, ये छोटे गोल चाहिए होते हैं हमें, इधर और इधर, यानी दो ये और दो ये, चार हो गए। लेकिन मैं छोटे गोलों को चार की बजाय दो इधर यूज़ करूँगा, दो इधर और दो बीच में, यानी छः छोटे गोले बनाऊँगा और दो बड़े गोले बनाऊँगा। तो बड़े गोले बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर रखता हूँ और मार्कर की हेल्प से मैं गोले का निशान लगा देता हूँ, और मैं कटिंग उसकी फिर बाद में कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने बड़े ही आराम से इसको रखा, और ये मैंने यहाँ से प्यार से निशान लगा दिया। तो थोड़ा सा गलत लग गया है निशान, थोड़ी सी गुलाई में, लेकिन वो मैं कटिंग के दौरान कर लूँगा। तो इस तरह से एक निशान यहाँ लग गया, और इसी तरह से मैं दूसरा निशान यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना दूसरा निशान लगा लिया। तो देखिए गाइज, दो निशान मैं लगा चुका हूँ। अब मैंने जैसे कि बताया था, बड़े जो हमें साइडों के बड़े गोले होते हैं, उनके लिए दो गोले चाहिए होते हैं, वो दो गोले मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लूंगा। अब ये जो बीच के छोटे गोले हैं, तो इनके लिए, इन्होंने तो जो वैसे जनरली यूज करते हैं वो सिर्फ दो ही यूज करते हैं, एक इधर और एक इधर, लेकिन मैं इनको छः यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं अपने पास इस तरह की एक छोटी छोटी शेप के लिए, मैं छोटा गोला लगाने के लिए, मैं जैसे ये मैंने डब्बी ली है एक, इसकी शेप मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कहीं पर भी बना देता हूँ, मैं इस साइड में बना देता हूँ यहाँ पर, और इसकी छः कटिंग करूँगा मैं। तो यहाँ पर मैंने रखी इधर से ऐसे, और इस तरह से मैंने इसको यहाँ से घुमा दिया। देखिए गाइज, एक हो गई। तो इसी तरह से मुझे ये छः कटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर छः गोले लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, हमने कटिंग कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, छः जो हमने छोटे होल्स करने थे, छः छोटे गोले बनाने थे, वो हमने छः यहाँ पर ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। और दो बड़े गोले जो हमने बनाने थे वो यहाँ पर कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो कि हमें इनके सेंटर में होल करना होगा। तो सबसे पहले हम सेंटर पर निशान लगाएंगे। तो आप सेंटर पर निशान दो तरह से लगा सकते हो, या तो आप जो हमारा, अगर आप ये जो गोले का यूज़ कर रहे हो, अगर किसी डिवाइडर से आप बना रहे हो, तो डिवाइडर से ऑलरेडी निशान यहाँ पर लग जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों गोलों के एक के ऊपर एक इस तरह से अटैच कर देते हैं हम, और ये जो हमारे पास चरखड़ी है जिससे हमने निशान लगाया था, उसको इसके ऊपर बिल्कुल सही से रख देंगे, जैसे हमने यहाँ पर कटिंग की थी इसकी। और फिर ये हमने डंडी है
देखो ये आर पार हमने डंडी इसके निकाली हुई है, इसके बीच में से हमने ये आर पार डंडी की हुई है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर, अब मैं इसको रख लेता हूँ पहले, और फिर जो हमने आर पार डंडी की हुई है उसके साथ हम जोर से निशान लगा लेते हैं ताकि वो हमारे वहाँ पर निशान पड़ जाए। तो होप करता हूँ अब निशान यहाँ पर पड़ चुका होगा। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए, अब जो हमारी ये डंडी थी जो हमें इसमें से, अब ये जो हमने होल किए थे, अब इसके बीच में हम रखेंगे इसको और आराम आराम से इसमें से इसको बाईपास करेंगे ताकि ये दोनों में से इक्वली हो जाए। तो देख सकते हैं, अब मैं इनको दो पार्ट में इस तरह से यहाँ पर अलग अलग कर सकता हूँ। तो देखिए अभी हाफ पार्ट बना है। अब हमें क्या करना होगा, अब जो हमारे छोटे छोटे होल्स हैं ये तो हमने यहाँ पर इनको कर दिया, इनको मैं निकाल देता हूँ, हम यहाँ से अलग कर दिया। तो जो हमारे अब छोटे छोटे होल्स हैं, ये हमारे होल्स हैं, अब हम इन छः के छः होल्स में से भी इसी तरह से सेंटर में होल करना होगा। जैसे हमने बड़े इसमें किया है तो इसी तरह से इनके सेंटर से भी हमें होल करना होगा। तो हम वो कैसे करेंगे, हम कोई भी एक होल इसको ले लेते हैं, इधर से इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल सेंटर पोजिशन में, हम अपने बिल्कुल सेंटरली पोजिशन में, और फिर यहाँ से इसके अंदर से हम होल कर देंगे। चलिए मैं इनके अंदर भी होल कर देता हूँ, मैं निशान लगा लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर सेंटर में हम होल कर देंगे। इसी तरह से मैं सभी में निशान लगा लेता हूँ और सभी में होल कर देता हूँ। तो गाइज, हमने जैसे कि आपको बताया था होल्स करने, तो हमने होल्स कर चुके हैं। देख सकते हैं आप, छह या छोटे गोलों के अंदर होल कर लिया और दो बड़े गोलों के अंदर होल कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या, पहले तो हम दो छोटे गोले इस तरह से एक साइड से करेंगे, हम इधर से और इधर से हम दो छोटे गोलों को आपस में लेंगे। तो हमने दो छोटे गोलों का यूज किया है और फिर एक बड़ा गोले का हम यूज करेंगे, और ये जो हमारे चीज़ इन दोनों को आपस में, ये तीनों को इस तरह से आपस में फेविकोल की हेल्प से हम जोड़ देंगे। सेम वे में हम इधर से पहले दो गोलों का हम करेंगे, छोटे जो दो हमारे गोले हैं, तो हम उन दो गोलों को यहाँ से लाएंगे और फिर एक बड़ा गोले को हम यहाँ से यहाँ तक सेम वे में हम इधर से जोड़ देंगे। आपको ये इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस सेम रखना है अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए पहले हम इन पे फेविकोल से इनको जोड़ देते हैं आपस में, ये तीनों और ये तीनों हम फेविकोल की हेल्प से यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो गाइज, हम वेट करेंगे इनके चिपकने का, थोड़ा टाइम लेंगे। जब तक ये चिपकते हैं हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो हमें ये जो हमारे न्यूज़पेपर था, देखिए हम एक डबल साइडेड न्यूज़पेपर लेंगे इस तरह से, एक डबल न्यूज़पेपर इस तरह से एक डबल न्यूज़पेपर लेंगे, और बाकी इसको रख देते हैं अभी फिलहाल, मैं इनको साइड में रख देता हूँ। तो देखिए इस तरह का मैंने एक डबल न्यूज़पेपर ले लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको बीच से फोल्ड करना होगा, यहाँ से ऐसे फोल्ड किया हमने इसको, एक बार इसको बिल्कुल इक्वली कर लेना, यहाँ से इक्वली रहने चाहिए ये इक्वली मैंने यहाँ पर कर लिया इनको। तो एक बार ही हमने इसको फोल्ड किया इस तरह से, और सेकंड टाइम फिर मैं इनको यहाँ से बीच में से सेंटर में से यहाँ तक फोल्ड कर लूँगा। तो देखिए सिर्फ ये चीज़, तो बिल्कुल ही यहाँ से आपस में एकदम मिला के आपको फोल्ड करना है ये, ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ से यहाँ मैंने इसको पकड़ा और यहाँ से इसको मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर चुका हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको थोड़ी थोड़ी गुलाई देंगे इधर से इस तरह से, एक बार दो बार और तीन बार, बस मतलब तीन बार ही हम गुलाई देंगे और इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की फर्स्ट कटिंग होगी मेरी। अब मैं इसको यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ इसकी। तो गाइस जो हम, पहले मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में बताता हूँ। तो देखिए इस तरह से, अब मैंने ये जो था इस तरह से हमें गोल करना है इसको, ये चीज़। और आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रोंग हो चुका है, ये बिल्कुल स्ट्रोंग हो चुका है यहाँ से। तो फिर से मैं इसको गोल कर देता हूँ, और गोल करने के बाद यहाँ पर मैं टेप लगा दूंगा, इधर भी टेप लगा देता हूँ और साइड में भी टेप लगा देता हूँ, ताकि ये गोल ही रहे, तो ये फिर खुलना। तो टेपिंग मैं कर देता हूँ यहाँ पर इस पर। तो देखिए गाइस,
यहाँ पर मैंने इस पे यहाँ पर से यहाँ तक मैंने टेप लगा दिया है इसको। तो इसी तरह से मैं बीच में टेप लगा दूंगा और इसी तरह से मैं साइड में टेप लगा दूंगा और आपको इस तरह की 6 स्ट्रिपें बना लेनी है। अब ये जो बचा हुआ था फिर से मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इस तरह की मैं 6 स्ट्रिपें बनानी है। तो इस तरह से मैं 6 स्ट्रिपें करके कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें 6 स्ट्रिप्स बनानी होंगी। हमने यहाँ पर 6 स्ट्रिप्स बना चुके हैं। आप चाहो तो 8 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4 का यूज़ मत करना, 4 बहुत ही कम हो जाएंगी। या फिर 10 का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 10 के लिए स्पेस भी ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक तरफ से इधर से इसको डाल लेंगे यहाँ पर, और ये दूसरी तरफ से इसको भी हम यहाँ से देखिए बड़े ही ध्यान से आपको इस तरह से कर देना। अब सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो हमें क्या है, हमें देखना है भाई कितने एरिया में ही हमारे स्ट्रिप्स यहाँ पर आएंगे। तो हम दोनों को इक्वली डिस्टेंस पे कर देते हैं। तो मैं देखूँगा यहाँ से और ये एरिया यहाँ तक, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक पे सिर्फ इस एरिया में मेरी स्ट्रिप्स जो हैं बिल्कुल परफेक्टली इन दोनों के ऊपर आ जाएंगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के साइडों में निशान लगा लूँगा यहाँ पर बाहर की तरफ अपनी चरखड़ी से। ये देखिए मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ इस तरह से निशान लगा लूँगा मैं। ये देखिए मैंने निशान यहाँ पर लगा चुका हूँ। अब ये निशान क्यों लगा रहा हूँ उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा भाई, ये निशान मैंने क्यों लगाए हैं। यहाँ पर लगाया मैंने निशान और सेम वे में मैं यहाँ पर भी लगा लेता हूँ, इस पर इधर से भी यहाँ पर भी मैं निशान लगा लिया। तो देखिए यहाँ पर भी मैं निशान लगा चुका हूँ। तो अब ये निशान मैंने यहाँ पर क्यों लगाए हैं, अभी देख सकते हैं आप। अभी ये जो हमारे जो बड़े वाले होल्स हैं, जब ज़्यादा अंदर से पड़ गए ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें स्टेबल करना है। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जहाँ हमने होल किए हैं तो यहाँ पर हम टेप लगा देंगे ताकि ये टेप से ज़्यादा बाहर की तरफ ना निकल पाए। तो हम इस पर टेप को रैप कर देंगे और सेम वे में हम इधर भी जो हमने निशान लगाया था यहाँ तक हम टेप को रैप कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकल पाए। और अभी इनके बीच में ये जो दो हमने अभी ये जो हमारे बचे हुए हैं छोटे छोटे गोले, अभी हमें यहाँ पर इंसर्ट कराने हैं। तो इसके लिए मुझे एक को निकालना होगा सबसे पहले। तो मैं इस साइड वाले को निकाल लेता हूँ, जैसे इसको मैं निकाल लेता हूँ वापसी यहाँ से, और इन दो छोटे छोटे गोलों को भी यहाँ पर इंसर्ट करा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इनको भी छोटे छोटों को भी यहाँ पर कर दिया और फिर से मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देखिएगा इस, अब जो मैंने निशान लगाया था वो यहाँ पर निशान था हमारा, और ये बीच में यहाँ से यहाँ, और ये साइड में जो हमें निशान था वो यहाँ तक था ये चीज़। और ये जो बीच की स्ट्रिप्स थी, हम अब ये सारी स्ट्रिप्स एक के ऊपर एक इस तरह से हम लगा देंगे और इनको यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी हम फेविकोल की हेल्प से चिपका देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी अभी बन जाएगी। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर टेप कर देता हूँ, यहाँ पर टेप लगा देता हूँ और यहाँ पर टेप लगा देता हूँ। तो देखिए गाइज, हमने यहाँ पर टेप लगा दिया ताकि ये जो हमने बड़े वाले डंडे थे वो बाहर ना जाए। देख सकते हैं आप बिल्कुल टाइट हो चुके हैं, अब ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको बाहर जाने के लिए यहाँ पर हमने टेपिंग कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हमारे यहाँ पर इन जगहों पे हम अपने फेविकोल को डाल देते हैं ताकि ये जो हमारे डंडे के साथ है ये चिपक जाए बिल्कुल अच्छी तरह से। तो गाइज ये फेविकोल लगाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल जो हमने यहाँ पर 6 स्ट्रिप्स मैंने आपको दिखाई थी जो हमने कटिंग की थी, हम एक एक स्ट्रिप को उठाएंगे और इस तरह से यहाँ तक उनके बीच में लगा देंगे और इस तरह से लगाएंगे ताकि वो ये साइड वाले पे भी आप देख सकते हैं इधर भी इस पर भी और इसके ऊपर से भी टच करते हुए जाए और हम इसके ऊपर यहाँ पर फेविकोल लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम फेविकोल यहाँ लगाते हैं इस पर। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी चरखड़ी हो चुकी है रेडी। देखिए मैंने आपको बताया था इस तरह यहाँ पर हमने फेविकोल लगा दिया था इसके, और आमने सामने फेविकोल लगाने के बाद हमने इसके ऊपर सेट कर दी है टेपिंग। टेपिंग इसलिए किया ताकि ये जो हमारे होल्स हैं बीच में, इनके बीच में डोर ना जाए, वैसे तो जाएगी नहीं अगर ऊपर से लपेटोगे, तो इसलिए फिर भी हमने यहाँ पर टेप लगा दी है इनके ऊपर से। अब देखिए आप इसके डोर भी लपेट के कितनी अच्छी लगेगी और ये वैसे भी देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। देखिए
अगर डोर लपेटिंग कितनी अच्छी लग रही है, कोई कहने का ही नहीं कि भाई ये हमने होममेड चरखड़ी बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे बाजार से खरीदी हुई चरखड़ी है। मैं सजेस्ट तो मार के देखता हूँ। तो देख सकते हैं आप। तो होप करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो आपको पता है लाइक करोगे आप, इस वीडियो को शेयर भी करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे। थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस।